दोस्तों अक्षय कुमार और कृति सेनन की फिल्म बच्चन पांडे डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस तरह की न्यूज़ आपने कहीं पर भी देखी होगी या फिर सुनी होगी या यूट्यूब पे ही आपने शायद देखी होगी, और इस तरह के मैसेज मेरे पास बहुत सारे आए हैं, तो इसका जवाब मैं पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म में कितने रुपए की ऑफर की थी, क्या डायरेक्ट ओटीटी पर आने वाली है, फिर इसके म्यूज़िक पार्टनर की कौन है, मतलब कि म्यूजिक राइट्स कितने किसने खरीदे हैं, टीवी पर कौन सी चैनल पर यह फिल्म आने वाली है, सब पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगा। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं बच्चन पांडे की। अब दोस्तों पूरा डिटेल पूरा मांझरा कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले तो ये जो फिल्म है बच्चन पांडे थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, खबरें आ रही है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम ने इस फिल्म को 175 यानी कि 175 करोड़ का ऑफर किया था कि भाई आपकी फिल्म डायरेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दीजिए। उसके बाद फिल्म के मेकर ने हाँ भी कर दी कि भाई चलो ठीक है, अमाउंट अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, तो हमारी फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर डाल देते हैं। उसके बाद फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म को अपने थिएटर में देखा, प्राइवेट थिएटर में इस फिल्म को देखा। उसके बाद उसके मन में आया कि भाई ये फिल्म पूरी की पूरी थिएटर मटेरियल है, इसको हम डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार, कृति सेनन, उसके बाद डायरेक्टर सबके साथ मिलकर बात की कि भाई हम इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से थिएटर मटेरियल है, और इस विचार पर आपका क्या मत है। तो पूरी टीम ने हाँ कर दी कि भाई ठीक है, अब हम ओटीटी पर रिलीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद निर्णय लिया गया कि भाई अब फिल्म मार्च महीने में थिएटर में रिलीज़ होगी। तो फाइनली दोस्तों ये जो सवाल है कि क्या बच्चन पांडे डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ होगी, तो उसका जवाब है नहीं, ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज़ नहीं होगी। अब इसके राइट्स की बात करें तो इसके जो म्यूज़िक राइट्स है वो टी सीरीज ने खरीद लिए हैं। टेलीविज़न की बात करें तो जी सिनेमा के साथ अभी बातचीत चल रही है कि भाई थिएटर, उसके बाद ओटीटी, उसके बाद टेलीविज़न पर जी सिनेमा के यानी कि जी नेटवर्क है उसके साथ अभी बातचीत चल रही है। जैसे ये डील फाइनल होगी वो तो बात की बात है। अब ओटीटी पे बात करें तो अमेज़न प्राइम ने इस फिल्म को इसकी राइट्स खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को अमेज़न प्राइम ने खरीद लिया है थिएटर में रिलीज़ होने के बाद ये फिल्म अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ होगी। अब कितने वीक का समय है इसकी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, 4 वीक है या फिर 8 वीक है या फिर 6 वीक है, थिएटर में रिलीज़ होने के कितने वीक बाद अमेज़न प्राइम पर यह फिल्म रिलीज़ होगी इसकी अभी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास इस तरह की अपडेट आएगी कि भाई बच्चन पांडे ओटीटी पर कब आएगी, इसकी डेट आएगी, तो मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो ये पूरी अपडेट थी। फिर से आपको बता दूँ कि भाई बच्चन पांडे डायरेक्ट ओटीटी पर नहीं आने वाली है, थिएटर में आने वाली है, उसके बाद अमेज़न प्राइम पर आने वाली है, उसके बाद अभी जी सिनेमा के साथ बात चल रही है, इसमें कोई चेंजेस होगा तो वो बाद की बात है। तो यही पूरी अपडेट थी, डिटेल थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करता हूँ अपडेट आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।